करने वाला हूँ। हाय गाइस, हम इस वीडियो में बेसिकली इस स्मार्ट वॉच का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस स्मार्ट वॉच का आपको अनबॉक्सिंग नहीं दूंगा, क्योंकि इस स्मार्ट वॉच का करीब 1 से 1.5 महीना हो गया यूज किए हुए। सो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और आप जब एक स्मार्ट वॉच लेने जाते हैं तो आपको इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने चाहिए, और आप जब इसे मोबाइल से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको उसमें क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली यही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, इस घड़ी का मॉडल स्मार्ट वॉच DZ09 है, इस स्मार्ट वॉच का मॉडल। तो हम बेसिकली इस स्मार्ट वॉच का फुल रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में इसी सब टॉपिक को कवर करेंगे। हाय गाइस, आई एम पीयूष कुमार सिंह एंड यू आर आल्सो वाचिंग टेक्निकल पीयूष सिंह। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आ गए हम अपने स्मार्ट वॉच पे। मैं आपको बारी बारी करके इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके लुक को देख लीजिए कि आपको ये किस प्रकार देखने को मिलता है। आप यहाँ आप देख लीजिए इसके ओवर लुक की, तो आपको यहाँ शुरू में एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, एक अच्छी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद यदि बात करें हम इसकी कैमरा की, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ कैमरा देखने को मिल जाता है, एक कैमरा, और यहाँ आपको बगल में माइक देखने को मिल जाती है। जब आप किसी से बात कीजिएगा तो आपका जो वॉइस जो रिसीव होगा इसी माइक से जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको पावर की देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, जिससे आप गाने उने का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें सिम कहाँ लगता है। तो मैंने इसे ओपन किया, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और अच्छे से ओपन कीजिएगा आप, ताकि ये कुछ, क्योंकि प्लास्टिक बड़ी है, ये प्लास्टिक का है तो हो सकता है टूट जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे ओपन किया, आपको यहाँ बैटरी देखने को मिलती है। तो इसमें बैटरी को ओपन करता हूँ, देख सकते हैं ये बैटरी बहुत ही छोटी है, ये 380 mAh की है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बैटरी आपको 380 mAh की देखने को मिल जाती है, जो कि 3.7 वोल्ट लेती है। और यदि बात करें हम इसके अंदर की, तो अंदर में आपको देख सकते हैं एक सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, और एक आपको देखने को मिल जाता है यहाँ चिप्स रखने का, जिसे आप मेमोरी कहते हैं। और यहाँ हम बात करें तो इसे आप चार्जिंग यदि चार्ज कीजिएगा तो आप यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये ओपन हो गई, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको USB पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप यदि डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप चार्ज कर सकते हैं इसे। ये जनरली चार्ज करने के लिए दिया गया है। उसके बाद मैं अब बताता हूँ आपको इसमें सब। अब इसे हम ऑन करते हैं, तो इसके लिए हम इसे लगा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आप इसे लगाइएगा कैसे, तो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको मिल जाता है बैटरी का। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है इसको इसके साथ अटैच करके आपको इसे लगा देना है। तो मैंने इसे अटैच कर दिया। अब उसके बाद और आप देख लीजिए यहाँ आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं आपकी स्पीकर का आपको मॉल्ट यहाँ देखने को मिल जाता है। तो हम इसे लगा देते हैं, देखिए ये स्पीकर की तरह आ गया। अब उसके बाद ये जो पावर बटन है, ये पावर बटन आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए मैं इसे लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ देख लीजिए ये ऑन हो रही है। तो काफ़ी अच्छा और प्रीमियम है। तो देखिए ये ओपन, पहले आपको यहाँ मेनू देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको सारे एप्लीकेशन दिखाएंगे, और यहाँ आपको सेटिंग मिल जाता है देखने को। और यदि बात करें हम यहाँ यहाँ टाइमिंग शो हो रहा है, और यहाँ आपको डेट देखने को मिल जाता है, आइडिया, यहाँ सिम आपको देखने को मिल जाता है कौन सा सिम, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सिम लगाया हुआ था, तो आपको सिम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ कैमरा देखने को मिल जाता है। तो हम सेटिंग पे पहले क्लिक करते हैं, तो सेटिंग में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ फोन सेटिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आप टाइम वाइम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैश लाइट को आप कर सकते हैं, ये तो मैं बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ प्रोफाइल का सेक्शन मिल जाता है, नेटवर्क का, आपको सब यहाँ सेक्शन मिल जाता है, बहुत आपको सेटिंग मिल जाएगी। यदि आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो आपको रिस्टोर सेटिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ बैक पे क्लिक करके इसे बैक कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ दो आइकॉन दिख रहे हैं होम स्क्रीन पे, तो ये आपको फोन बुक मिल जाते हैं कि आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कॉल करने का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने किसी पे क्लिक किया, चूँकि मेरे इस स्मार्ट वॉच में सिम भी लगा हुआ है और ये मेरे मोबाइल से भी कनेक्टेड है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आएगा, मतलब कि आप लोकल कॉल कीजिएगा तो आपका जो कॉल लगेगा वो इसमें जो इनबिल्ड सिम है इससे लगेगा, और यदि ब्लूटूथ कॉल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल से लगेगा, जिस डिवाइस से आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है, यदि आपके मोबाइल से यह कनेक्टेड है आपके मोबाइल पे लगेगा। उसके बाद मैं भी आ जाता हूँ, जैसे कि मैं यदि लोकल पे क्लिक करता हूँ तो इस सिम से यह कॉल लग जाएगा। तो यहाँ मैं एंड कॉल क्लिक करता हूँ, तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखते हैं वॉइस भी आपको काफ़ी
क्लियर देखने को मिलती है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप यदि आपके सिम में जितना भी कॉन्टैक्ट है वो आपको दिखाएगा, और यहाँ एक मिल जाता है लोकल का, जिसमें कि जितना भी सिम में कॉन्टैक्ट है वो दिखाएगा। और मेनू पे आइएगा तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि ये एंड्रॉइड बेस है तो आपको एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं मैसेजिंग का, यहाँ मैसेज का, यहाँ आपको मिल जाता है ब्लूटूथ का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करके आप अपने स्मार्ट वॉच के ब्लूटूथ के सेटिंग को आप चेंज उन कर सकते हो। तो आपको इसमें काफ़ी ऐसी ऐसी स्मार्ट सेटिंग मिल जाते हैं, जिससे कि आप एक स्मार्ट वॉच का आनंद उठा सकते हैं। वो भी आपको ये सिर्फ आपको 500 से 600 रुपये में ही मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ आपको ब्लूटूथ डायलर मिल जाता है, जिसे कि आप क्लिक कर, जैसे कि अब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ आपको दिखा जाता है कि आपका डिवाइस किससे कनेक्टेड है। जैसे देख लीजिए मेरा लेनोवो गेयर है, तो लेनोवो गेयर से कनेक्टेड है, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसमें भी आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लूटूथ नोटिफिकेशन, ये ब्लूटूथ नोटिफिकेशन है क्या? यदि आपका वॉच जिस मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा उस वॉच में जितने मैसेज आएंगे आप यहाँ से मैसेज के सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप मेरे मोबाइल में ये सब मैसेज आया तो ये सब दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है एंटी लॉस्ट। देखिए ये एंटी लॉस क्या है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं और इसे ऑन कर देते हैं, उसी सेट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका आपके वॉच को जब भी लगेगा कि आपका मोबाइल आपके वॉच से दूर जा रहा है, हाँ, तो ये जिम करने लगेगा। इसका आप लाभ उठा सकते हैं जब आप कहीं सफ़र कर रहे होंगे और आप इसे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आप यदि अपने पैकेट में मोबाइल रख दिए और यदि आपके पैकेट से कोई मोबाइल लेके भाग रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि ब्लूटूथ का रेंज इस वॉच से दूर जाएगा, तो ये रिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मोबाइल खतरे में। तो आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, और इस स्मार्ट वॉच पे आप फोटो भी खींच सकते हैं जो आपके कैमरे में दिखा रहा है। यहाँ मिल जाता है पेंडोमीटर। पेंडोमीटर पे जैसे आप क्लिक करके इसे स्टार्ट कीजिएगा तो ये दिखाएगा कितने टाइम में आप कितने स्टेप को किए, को जितनी भी सेटिंग बनाए कि मोबाइल नोटिफिकेशन को भी आप इस स्मार्ट वॉच में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, जो QR कोड आपको देखने को मिल जाता है। इसे आप डायरेक्ट स्कैन करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको उस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है BT नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ नोटिफिकेशन। आप जैसे लिखेगा तो आप फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ फाइंड मी का ऑप्शन, जो कि काफ़ी यूजफुल और औसम ऑप्शन है एक किसी भी स्मार्ट यूजर के लिए। जैसे कि आपका मोबाइल जब आप रूम में ही रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, और आपका मोबाइल जब इधर उधर गुम हो जाता है, तो इस ऑप्शन का आप लाभ उठा सकते हैं। इसे ही आप फाइंड मी पे क्लिक कीजिएगा तो यदि आपका ये स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा ब्लूटूथ के द्वारा, तो आपका स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिक रिंग करना स्टार्ट होगा हो जाएगा। यदि आपका साइलेंट मूड में भी है तो भी ये रिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार आप मोबाइल को भी खोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ ऑडियो प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियो में आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप सिर्फ उस रीजन को, जिस रीजन से आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो उस रीजन को आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो में हम उसे इम्प्रूव कर सके। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए टेक्निकल प्यूज के साथ। ओके बाय।